सभी गुरुजनों तथा अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अनोखे जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। उनके माता पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे। फ्लोरेंस के जन्म होते समय उनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसीलिए उनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया गया। 12 मई सन 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डार्सियान में पली बढ़ी। बचपन से ही इस लड़की को दुखी लोगों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर इन्हें अत्यंत दया आ गई और इन्होंने उसके टूटे हुए टांग पर पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में कुत्ता चलने फिरने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल साहित्य, संगीत और चित्र कला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय के धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला का सपना परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने सारे सुख का त्याग कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने शादी करने से भी मना कर दिया। जब उनके मन में नर्स बनने की इच्छा प्रकट हुई तो उनके माता पिता ने विरोध किया, क्योंकि उस समय के अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह घुटन भरे थे, यहाँ तक कि वहां पर शिक्षित नर्स भी नहीं थी। वो अपनी धुन की पक्की थी। वे फ्रांस से जर्मनी के नगर केसर जोर गए। वहां पर वे 6 महीने रहकर नर्सिंग प्रशिक्षण का प्राप्त किया। वे फ्रांस आकर उन्होंने फ्रांस के अस्पतालों में रहकर नर्सिंग के नवीन जीवन का ज्ञान प्राप्त किया। लंदन वापस आकर उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया। उन्होंने अपने काम से एक औरत को दखल करना अच्छा नहीं लगा, परंतु इस बात की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ घायलों की कपड़े धोए, गंदे कपड़े धोए और सहानुभूति के साथ साथ मरहम पट्टी की, भोजन और दवाइयों का भी प्रबंध किया। लगभग 2 साल तक युद्ध चला रहा। इस बीच अस्पतालों का प्रबंध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में रहा। वे घायलों की लगन से सेवा करती, अस्पतालों की सफाई करती और विशेष ध्यान रखती और घायलों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया। रात्रि में वे लैंप लेकर घायलों को देखने आती, जिससे घायलों का आधा दुख दर्द दूर हो जाता। इसीलिए उन्हें लैंप वाली महिला के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने तन मन से घायलों की सेवा करते करते वे खुद एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। बीमारी के कारण वे अपने अंतिम समय तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। बीमारी के कारण अस्तकष्ट होने पर भी उन्होंने नर्सिंग के प्रशिक्षण को स्तर रखने का प्रयास किया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारे लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। धन्यवाद।